नमस्कार बहनों भाइयों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके इस अपने YouTube चैनल रेल है तो देश है की एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में काफी बेहतरीन और काफी इम्पोर्टेंट जो है वो अपडेट आप सभी लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे चंबल अंचल से अयोध्या के लिए एक जो है वो प्रतिदिन ट्रेन होनी चाहिए, जिसके माध्यम से हम चंबलवासी जो है ग्वालियर, भिंड, मुरैना, डबरा, दतिया, गुना, सिवनी, ये जितने भी जो क्षेत्र पड़ते हैं ग्वालियर संभाग के अंदर आने वाले, यहाँ पर जो है ये काफी अच्छी ट्रेन की सौगात होनी चाहिए, जिससे जो है ये सुविधा काफी ज्यादा वंचित ना रहे और हम लोग जो है वो अयोध्या जाते रहे, यानी कि हमें कहीं और शहर में जाने की आवश्यकता ना पड़े और अपने घर से जो है हमको ये काफी बेहतरीन गाड़ी की सुविधा उपलब्ध हो जाए। इसी को देखते हुए यहाँ पर जो है अभी यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भारतीय रेलवे एवं पश्चिम मध्य रेलवे ने एक स्टेप उठाया है, यानी कि एक कदम उठाया है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ क्या होने वाला है वो कदम, और यहाँ पर जो है एक नई ट्रेन का यहाँ पर जो है अब उद्घाटन होने वाला है। तो मैं आपको ये भी बताता हूँ कि ये जो ट्रेन है ये कब चलेगी और कब तक चलाई जाएगी और खास तौर से कहां तक चलाई जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी विलंब के। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 22 जनवरी 2024 को हमारे प्रभु श्री राम जी का यहाँ पर उद्घाटन होने वाला है राम मंदिर में। जी हाँ, तो ये काफी बड़ी बात है और हम सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा त्योहार वाली बात होने वाली है। अब यहाँ पर जनवरी महीने में उद्घाटन तो हो जाएगा, तो फरवरी की शुरुआत में ट्रेन का भी एक बंदोबस्त हो गया है। मैं आपको ट्रेन की जानकारी देता हूँ। सबसे पहले पीएमओ के निर्देश पर रेल मंत्रालय ने यहाँ पर रेल मंडल से इस ट्रेन को चलाने का प्रस्ताव पश्चिम मध्य रेलवे जोन के मुख्यालय जबलपुर भेजा है। वहां से इस ट्रेन को 5 फरवरी को भोपाल और 7 फरवरी को अयोध्या से वापसी की यात्रा के लिए चलाने की मंजूरी शेड्यूल सहित शुक्रवार देर शाम को दे दी गई है। आपको बताते चलें कि भोपाल रेल मंडल के सीनियर डीसीएम सौरभ कटारिया जी ने बताया कि इसकी पूरी मंजूरी मिल चुकी है। तो ये बात एकदम क्लियर हो गई है और ये बात एकदम साफ हो गई है कि भोपाल से अयोध्या के बीच में ट्रेन चलने जा रही है, और जितनी जानकारी मिली है उसके मुताबिक आपको हम बताते चलें कि इसका जो प्रस्थान है वो 5 फरवरी रात 10:25 पर जो है भोपाल से होने वाला है और ये 6 फरवरी शाम 5:10 पर अयोध्या धाम पहुंच जाएगी। इसी के साथ साथ में वापसी की बात करें तो अयोध्या से भोपाल के लिए 8 फरवरी को रात में 10:35 पर गाड़ी निकलेगी और 9 फरवरी दोपहर 3:20 पर ये भोपाल पहुंच जाएगी। इसके अगर थोड़े से रेल मार्ग की बात करें तो मैं आपको बताते चलता हूं कि भोपाल से निकलकर बीना, झांसी और ग्वालियर और इसको जो है वो भिंड होते हुए इटावा, कानपुर सेंट्रल, लखनऊ के रास्ते जो है अयोध्या तक इसका संचालन किया जाएगा और ये टोटल जो सफर है वो 18 घंटे 45 मिनट का होने वाला है। तो इसको रेलवे चलाएगा या IRCTC चलाएगा, इसका फैसला जो है वो जबलपुर मुख्यालय पश्चिम मध्य रेलवे में किया जाएगा। और जब तक विभिन्न धार्मिक स्थलों के लिए चलाई जाने वाली ट्रेनों का संचालन इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन यानी कि IRCTC अभी तक जो है वो यहाँ पर करता रहा है, तो इसके चलाने का जो निर्देश है वो यहाँ पर कौन देता है ये देखने वाली बात रहने वाली है। फिलहाल के लिए इतना ही, जुड़े रहिए, इसी प्रकार नई नई वीडियो आपको मिलती रहेंगी और खबरों की माध्यम से आप लोग यहाँ पर अपडेट रहने वाले हैं। जब तक जय हिंद, वंदे मातरम।